बद्रीनाथ में अगर 41 दाने चने की दाल के पीले कपड़े में बांध कर जो शंकर भगवान के 41 बार नाम लेकर बद्रिकाश्रम को चढ़ाता है, आज भी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए बद्री नारायण में चने की दाल चढ़ती है। क्यों चढ़ती है किसी को नहीं मालूम, पर उसका कारण यह शिव महापुराण में लिखा कि बद्रिकाश्रम में चने की दाल शंकर भगवान का नाम लेकर चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब जैसे दादी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं, देखा स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं तो चने की दाल बर्तन में भरते हैं, फिर उस पर सोने की सीढ़ी रखते हैं, तब वो स्वर्ण सीढ़ी चढ़ती है। उसी तरह जब हम किसी बच्चे को गोदी लेते हैं और उसको कोई दान देते हैं, अपना मकान अपनी जायदाद जब उसके नाम लिखते हैं, तो बच्चे को जब गोदी लिया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल भरी जाती है। नामकरण संस्कार जब बच्चे का किया जाता है तो सामने थाली में चने की दाल रखी जाती है। क्यों? चने की दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, अब कोई 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है, जितने हैं दे दो, शिव का नाम समर्पित कर दिया। हर हर भगवान शिव का नाम लेकर बद्रिकाश्रम में चने की दाल का दान। अच्छा, इसलिए केदारनाथ में जपा जाता है नारायण नारायण और बद्री आश्रम में जपा जाता है ओम नमः शिवाय। दोनों जगह विपरीत दशा है। केदारनाथ जी में क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे केदारनाथ जी में बैठकर भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। और बद्रिकाश्रम में जब भी जाओ तो मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे हैं, बहुत समय से लगे हैं, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर जपना चालू कर दो, नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है? ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के बच्ची का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, तीन तीन चार चार बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सवेरे उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा करत बा, जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले, ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना और दे नहीं रहा, क्या करना है? सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकाल कर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, हाथ जोड़कर ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता, स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति करोड़पति आनंदपति बनाकर भेज देता है। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है, गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी की यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है, षडाकृति का है वो धन देता है, संपदा देता है, दोष हमारा है हम तुलसी के कुंडे के नीचे शंकर जी को रख देते हैं, क्यों? कि यही तुलसी जी को पानी चढ़ाएंगे, यही शंकर जी को चढ़ा देंगे, दोष है। तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्प देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चढ़ाएंगे, पात्री रख देते हैं, नहीं, दोष।
उसका दोष हम सबको स्वयं अगर गलती करते हैं तो स्वयं को कैसा कुंड हो, सात तरह के कुंडों का व्याख्यान तुलसी के रूप में कहा गया है महाराज। पहला गोल, दूसरा चौकोर, तीसरा षडाकृति, चौथा त्रिवेणी, तीन कोने वाला कुंडा। शास्त्र कहता है जिसके मार्ग घर में टुकड़े हो रहे हों, घर विभाजन की ओर हो रहा हो, तो तीन कोण का कुंडा घर में रखकर पूजा करने पर परिवार एक हो जाता है। पांचवा, गार्डन में बिना कुंडे का, बिना कुंड का जो तुलसी का पौधा रोपित होता है, बिना कुंड के एक बगीचा जैसा बो दिया जाता है, तुलसी तुलसी उत्पन्न हो जाती है महाराज। वहां पर संपदा तो रहती है पर चिंता बहुत रहती है, टेंशन बहुत रहता है। क्यों? घर के दरवाजे के बाहर इतनी सारी बगीचे में तुलसा कर दी, कोई निकल कर जा रहा था उसने थूक दिया, कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दिया, कोई स्वान ने, कुत्ते ने, किसी ने, बिल्ली ने गंदगी कर दी, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए कुंड के अंदर तुलसा का, तो वो धन तो देगा जो तुमने बगीचे में तुलसा लगाई है, गार्डन तुलसा का करा, वो धन तो देगा, संपदा भी देगा, पर चिंता को बढ़ा देगा। पांचवा, मारा छठा, तुलसी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखना। कई जगह पर आपने देखा होगा तुलसी का जो कुंडा होता है उसको तीन जो तार होते हैं, तीन जो चेन होती है उस पे लटकाया जाता है महाराज। विष्णु पुराण उसका भी व्याख्यान करती है महाराज। वहां व्यक्ति के कार्य उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे भोजन की थाली लग गई, भोजन तैयार हो गया, बस खाने बैठे हो और थाली खसक गई, समझ लेना कि तुलसी को अधर पर लटका कर रखा है। इसलिए कार्य तो हो रहे हैं, बनने वाले हैं, चार दिन बाद ये काम होने वाला है, आठ दिन बाद ये काम होने वाला है, लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा, लग रहा है इस व्यापार को करेंगे तो इतना फायदा हो जाएगा, सब कुछ करा, लाखों रुपए लगा भी दिए, थाली मालूम पड़े खसक गई, अधर लटका है। सात क्रम है तुलसी के, ये छठा क्रम बताया। तुलसी का सातवां क्रम, तुलसी का सातवां क्रम है महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महीने। हमारे यहाँ तुलसी के कुंड का भी निवान विधान है, गोल कुंडा है ऐश्वर्य देगा, चौकोर कुंडा है, आप लोग कई बार देखे होंगे किसी किसी की यहाँ चौकोर तुलसी का क्यारा होता है, कुंडा होता है, वो वंश बढ़ाता है, षडाकृति का है, वो धन देता है, संपदा देता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।
और जैसे ही थोड़ा सा समय निकला, आज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शाम का समय और गंगा जी पर चले जाए, और भोलेनाथ जी गंगा जी पर जाएं और वहां माता पार्वती को मालूम नहीं कि प्रभु आजकल हमेशा तो मेरे को साथ लेकर भ्रमण पे निकलते थे, आजकल भोलेनाथ जी जाते कहां हैं, शंकर जी जा कहां रहे, पता नहीं कहां रहे। और बाबा भोलेनाथ जी का स्मरण करा, माता पार्वती ने उसी समय पर गणेश जी को भेजा, गणेश जरा मालूम करो पिताजी कहां जा रहे हैं। और पिताजी को देखकर गणेश जी आए, और आए और आकर कहा, मां पिताजी तो कुछ कन्याओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में गंगा जी के जल में अटखेलियां कर रहे थे। इतना तो मां से कहना था। भोलेनाथ जी के शब्द सुनकर, गणेश जी के वाक्य सुनकर मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माता पार्वती क्रोध में लाल, और उसी समय पर माता पार्वती क्रोध में लाल होकर सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गई, सीधे गंगा जी के तट पर। और गंगा के तट पर माता पार्वती जब पहुंची और जगत जननी ने देखा, पांच स्त्रियों के साथ में, पांच कन्याओं के साथ में भोलेनाथ पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान उन पर पानी फेंके, कभी वो कन्या इन पर पानी फेंके, कभी शिव पानी फेंके। इतने में माता पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ जी को आवाज दी, शंकर भगवान जल क्रीड़ा करते हुए खड़े हुए, और खड़े होकर बोले, क्या बात है पार्वती, इतना क्रोध क्यों करती हो। पार्वती बोली, भोलेनाथ ये स्त्रियां कौन, ये नारियां कौन है, मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और आप इन स्त्रियों का संग कर रहे हो। होता है कभी कभी, एक पति अपनी पत्नी को रोज धमकी देता था, तू मेरे से सही सरिया कर, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। बेचारी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार हमारे यहाँ कथा में आई कि गुरुजी मेरा पति रोज धमकी देता है, मैं क्या करूं। मैंने पूछा, क्या धमकी देता, कि हमेशा बोलता भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा, तू मेरे से अच्छे से रिया कर। तो मैंने कहा, वो तुझे धमकी देता है तो तू भी दे दे, कि द्रौपदी के पांच थे, तू क्यों। उसने, गुरुजी अब तुम चिंता मत करो, अब बोल। अब दूसरे दिन फिर बोला, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में जूड़ा बांधती बांधती, देखना माताएं जब झगड़ने जाती है, लड़ने जाती है, जूड़ा बांधती। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से ये जूड़े से एनर्जी मिलती होगी लड़ने में, पावर। अच्छा, पड़ोसन से तीन चार बार लड़ेगी ना, तो तीन चार बार इसका जूड़ा खुलेगा, फिर बांधती बांधती बोल तो जरो, बोल मतलब एनर्जी पावर पावर होता है। एक पंडित जी बहुत कथा वाच रहे थे, बहुत जोरदार जोरदार कथा वाचे, तो एक सरदार जी ने पूछ लिया, महाराज इतना ज्ञान कहां से आता है तुम्हारे पास में। पंडित जी बोले, हमारा ये चोटी है ना, ये अर्थिंग का ये तार है, एंटीना, ये ऊपर से आता है, इसलिए हम बोल देते। इतने में तुरंत सरदार जी बोले, तुम्हारी चोटी से बड़े तो हमारे बाल, फिर हमको ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले, ज्ञान तो तुमको आता है, पर यह अर्थिंग का तार है, नीचे टपक जाता है, ज्ञान आने की कमी नहीं, आता जरूर है, सब चला आया, मना नहीं। तो भैया कभी ना बोले, भगवान शिव जब अटखेलियां कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, पांच पांच स्त्रियों के साथ में अटखेलियां, तो भोलेनाथ जी के सम्मुख में पार्वती मैया ने कहा, आप ये पांच स्त्रियों के साथ, पांच कन्याओं के साथ क्या कर रहे हो, कौन है ये, मैं एक पत्नीव्रत का पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं और तुमने ये क्या करा। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती मौन होइए। पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले, भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी पांच बेटियां हैं, ये मेरी पांच पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, पांच पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए,
मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा। तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से पांच धाराएं प्रकट हो गईं, उस पांच धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये पांच बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विशहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और पांचवी दो तली। ये पांच कन्या शंकर जी की पांच बेटियां। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई, पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा गंगा, उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते भैया। शिव महापुराण में एक एक संवाद है, चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकू क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था। कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूँ कि आज के बाद आपके शरीर पर ये रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकु नहीं चढ़ता। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगन चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अभीर चढ़ेगा, पर कुंकु शंकर को कुंकु। जैसे अधिक मास के महीने में, अभी जो अधिक मास आ रहा है ना आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे पांचवा दिन का जो अधिक मास होता है पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सबद्र उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, तीन साल में एक बार अधिक मास आता है, अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, एक का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर सात बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में तीन साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डालू। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते, केवल अधिक मास, अधिक मास के अंतर्गत करें। और आपको तो मौका मिल रहा है ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो, अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। भजन चित्त धरी। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में पांचों कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी पांच बेटियां हैं। पार्वती जी ने पांचों को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा,
सर्प की आकृति। और वो पांच कन्या शंकर भगवान की पांच सर्प रूप की बेटियां हूं, सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन पांच सर्प यहां बनाते हैं, पांच सर्प बनाए जाते हैं, वो शंकर भगवान की पांच बेटियां बनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजन। किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा, पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने, रखो। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है, कुल देवी होती है कि नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है, माँ के पास में बेटा का कर, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कोई कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में, आज के जमाने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे, और आज के जमाने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था, ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काहे को 500 रुपए, अभी तो दिए थे थोड़े दिन पहले, 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया, अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया। पिताजी ने चिल्लाया, इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते से बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है स्कूल में, इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे। अब उसने जो स्माइल देके बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए आप दो इनको 500 रुपए दो, पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल, तुरंत तुरंत प्राप्त। माँ जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं। पार्वती जी कहती हैं ऐसा ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सामने जाकर उनसे विनती करी, पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो, हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहाँ आता है, जम के बोलो, पार्वती जी के हस्त कमल, फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम
जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है इस हस्त कमल पर जलाता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है, क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया, आपने कहा और उन्होंने पाया।